अंग की मात्रा के खाली स्थान करेंगे। फर्स्ट है पंडित जी डैश में पूजा कर रहे थे। पंडित जी कहाँ पर पूजा कर रहे थे? मंदिर में। कहाँ पर? मंदिर में। मन मंदिर, पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे थे। जहां आप खाली स्थान फिल करेंगे वहां पर अंडरलाइन भी करेंगे। सेकंड है चारों तरफ फैली हुई थी। चारों तरफ क्या फैली हुई थी? सुगंध। वेरी गुड। अब देखिए स में ओ की मात्रा, सु गम, ध सुगंध। फैली हुई थी चारों तरफ सुगंध, फैली हुई थी। थर्ड है मंदिर में बज रही थी। मंदिर में बज रही थी। मंदिर में क्या बज रही थी? सारंगी। सा में कौन सी मात्रा की आवाज आ रही है? आ की। सा रंगी, सारंगी बज रही थी। आसमान में क्या उड़ रही थी? पतंग। प तंग ग पतंग। आसमान में पतंग उड़ रही थी। बच्चों आपको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन लिखना है और याद भी करना है। आज हम अंग की मात्रा के प्रश्न उत्तर करेंगे। फर्स्ट प्रश्न है गंगा के किनारे किसका मंदिर था? गंगा किनारे किसका मंदिर था? उत्तर है गंगा के किनारे भगवान शिव का मंदिर था। गंगा किनारे भगवान शिव का मंदिर था। सेकंड है आपका आरती कौन कर रहे थे? आरती कौन कर रहे थे? उत्तर है पंडित जी आरती कर रहे थे। पंडित जी आरती कर रहे थे। थर्ड प्रश्न है आसमान में क्या उड़ रही थी? आसमान में क्या उड़ रही थी? उत्तर है आसमान में पतंग उड़ रही थी। आसमान में पतंग उड़ रही थी। बच्चों आपको नीट एंड क्लीन लिखना है और इस बात का ध्यान रखना है पहले हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर, उसके बाद प्रश्न वन प्रश्न लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क डालेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे और उसके बाद विराम चिह्न लगाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है और आंसर के बाद आपको वन लाइन लीव करनी है और आपको साथ में क्या करना है?
लर्न भी करना है। थैंक यू।